नमस्कार, स्वागत है आप सभी का चाणक्य कोचिंग क्लासेस बहराइच में। आज हम लोग बीकॉम सेकेंड ईयर में जो इस टाइम पेपर है आपका बिजनेस स्टैटिक्स, ठीक है, 2015 का पेपर डिस्कस करेंगे। ये पहले बीकॉम फर्स्ट ईयर में था, लेकिन अब ये बीकॉम सेकेंड ईयर में आ गया है। ठीक है, डॉक्टर रामन लोहिया अवध यूनिवर्सिटी अयोध्या का ये पेपर है। ठीक, ये 100 नंबर का पेपर होता है। ये न्यूमेरिकल पेपर है, इसमें न्यूमेरिकल भी आ रहा है और थ्योरी भी आती है। कितने नंबर का न्यूमेरिकल आ रहा है, कितने नंबर की थ्योरी आ रही है, इसका डिस्कशन करेंगे। और अगर आप इसके पूरे वीडियो देखना चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट दी गई है, वहां पे जाके आप विजिट करके देख सकते हैं। इसके पूरे वीडियो जो है आपको मिल जाएंगे, पूरी व्यवस्थित एक तरफ से। तो चलिए पेपर देखते हैं, आपके सामने पेपर है। तो सेक्शन ए में देखेंगे कौन कौन से क्वेश्चन है। तो ये देखिए, पहला क्वेश्चन, डिफाइन स्टैटिक्स, व्हाट इज डेटा, राइट फॉर्मूला ऑफ मोड फॉर अ कंटिन्यूअस सीरीज। तो जेड का बताना है, एल वन प्लस एफ वन माइनस एफ जीरो अपॉन टू एफ वन माइनस एफ जीरो माइनस एफ टू, ये एक फार्मूला है, इसको बताएंगे। व्हाट इज इनवर्स, फिर व्हाट इज द डिस्पर्शन, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय इंडेक्स नंबर, एक्सप्लेन द मीनिंग ऑफ टाइम सीरीज, ठीक, हु इज सपोज्ड टू बी द फादर ऑफ स्टैटिक्स, जी गॉटफ्राइड अकेनवाल। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आया था 2015 में, पहली बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। ठीक है, राइट, फाइव एडवांटेज ऑफ ग्राफिक प्रेजेंटेशन, फिर व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाई टेबुलेशन। तो ये क्वेश्चन पूछ लिया सेक्शन ए में। अभी 50-50 वर्ड में लिखना था आपको, नहीं मान के चलिए आधा पेज आप लिखेंगे और न्यूमेरिकल है तो कोई बात ही नहीं है। अब अगला थ्योरी देखे, सेक्शन बी जब शुरू होगा तो यहाँ पे देखिए, ये जो क्वेश्चन आपका है, एक्सप्लेन द लिमिटेशन ऑफ स्टैटिक्स, अब ये थ्योरी है, 3 पेज आप मान के चलो इस पर लिखो, 3 पेज, फाइंड आउट द मिसिंग साइज, द मिसिंग साइज फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा। अब ये मिसिंग साइज देखिए ना, यहाँ पे एक्स दिया गया है, इसको जो है कैलकुलेशन करना है आपको। ये मीन आपका दिया गया है, ये क्वेश्चन आपका 2 बार अब तक आ चुका है। ये देखिए, ये वैल्यू आपको निकालनी है, तो इसका न्यूमेरिकल ये आसान है, ये इसको लिखेंगे तो पूरा नंबर आपको मिलेगा। अब ये 2 नंबर हो गया, इसके बाद जब 3 नंबर क्वेश्चन में जाएंगे तो राइट द डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा। ये प्राइमरी एंड सेकेंडरी डेटा का ये क्वेश्चन थ्योरी में आता जरूर है। ठीक है, प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा से रिलेटेड क्वेश्चन आता जरूर है, ये दोनों को तैयार कर लीजिएगा। तो ये पूछा गया, फिर इसके बाद कैलकुलेट मीडियन एंड फ्रॉम द फॉलोइंग डेटा, तो मीडियन कैलकुलेट करना है। अब ये सीरीज कौन सी है ये पहचान लीजिए, ये सीरीज जो है डिस्क्रीट है। अब एक थ्योरी एक न्यूमेरिकल साथ में लगा हुआ है। 4 नंबर में जब देखेंगे तो लिखा है, निम्नलिखित आंकड़ों से उच्चतर चतुर्थक, आपका 3 का जो है क्वार्टाइल होते हैं, Q1, Q2 और Q3, ठीक है, इनमें से आपको उच्चतर चतुर्थक की बात कर रहा है, यानी Q3 कैलकुलेट करना है आपको। क्या कैलकुलेट करना है, Q3। फिर देखो, डिस्कस द वेरियस मेथड्स ऑफ कलेक्टिंग सेकेंडरी डेटा। अब देखो सेकेंडरी डेटा वहां पे, अभी क्वेश्चन नंबर 3rd में प्राइमरी और सेकेंडरी में डिफरेंस, यहाँ पे देखो सेकेंडरी डेटा से क्वेश्चन पूछ लिया, सीधे आपके सामने 20 नंबर का क्वेश्चन आ गया। ठीक है, अब अगला देखिए, व्हाट आर द मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग डिस्पर्सन। डिस्पर्सन अब ये भी थ्योरी है, इसके अलावा जो न्यूमेरिकल दिया गया है, कैलकुलेट मेन डिविएशन, मेन डिविएशन अबाउट मीडियन फ्रॉम द फॉलोइंग। तो ये निम्न आंकड़ों के लिए माध्यिका से माध्य विचलन लेना है आपको, और ये सीरीज है इंडिविजुअल। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6 जो है, डिस्कस द नेचर एंड स्कोप ऑफ स्टैटिक्स। तो प्रकृति एवं क्षेत्र का जो है के बारे में आपको देखना है। तो यहाँ पे स्टैटिक्स की देखो लिमिटेशन पूछा, अभी सबसे पहला क्वेश्चन लिमिटेशन से रिलेटेड था। दूसरा देखिए यहाँ पे ये क्वेश्चन, यहाँ पे नेचर भी पूछा, स्कोप भी पूछा, सेक्शन ए में जाके उसका क्या मीनिंग पूछ लिया था। तो यानी मीनिंग, डिफिनेशन, कैरेक्टरिस्टिक, ये सब तो आपको लिखना ही लिखना है, कोई भी पेपर हो। इसका था इंपॉर्टेंस एंड लिमिटेशन ऑफ इंडेक्स नंबर, इंडेक्स नंबर का जो है थ्योरी दी है। अब 6 नंबर में, अब सेक्शन सी में जब जाएंगे तो इसमें जो है कुल मिला के 2 क्वेश्चन करने हैं, 5 क्वेश्चन होंगे जिसमें 2 करने हैं। तो पहला क्वेश्चन देखिए आपका न्यूमेरिकल दिया है सेक्शन सी का, कैलकुलेट द स्टैंडर्ड डिविएशन एंड इट्स कोफिशिएंट, ये कैलकुलेट करना है। एस डी निकालना है, एस डी ये 15 नंबर का क्वेश्चन है। अगला थ्योरी का देखिए, एग्रीकल्चर जो है डेटा से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर स्टैटिक्स इन इंडिया से रिलेटेड है, लास्ट चैप्टर आप जाएंगे देखेंगे तो इसका पार्ट है ये, तो ये थ्योरी का है, यहाँ देख लेंगे। फिर अगला कैलकुलेट द कैलकुलेट कार्ल पियर्सन कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन, ये न्यूमेरिकल है और ये क्वेश्चन डिजिट सहित पूछा गया 2-3 बार, इसकी कोई डिजिट भी नहीं बदला इसने, ये भी ध्यान रखना, सॉल्व कर लो इसको। और नीचे प्लेलिस्ट दी गई, वहां से आप वीडियो भी देख सकते हो। साथ में प्रश्नावली किसे कहते हैं, अनुसूची से किस प्रकार भी ने प्रश्नावली बनाते समय किन
सावधानियों को ध्यान रखना चाहिए। अब ये भी थ्योरी है, और उसके बाद ये क्वेश्चन जो है इंडेक्स नंबर का, जी इंडेक्स फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर जरूर आता है हर साल आपका पेपर, हम आपको दिखाएंगे 10 साल का पेपर आपको देंगे, पिछले 10 साल के पेपर हम आपको देंगे जिसके बेस पे आप अपनी तैयारी कर सकते हो। तो ये आप देखेंगे कि हर साल फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर पूछा जाता है और ये इस टाइप का क्वेश्चन आता जरूर है, इसको एक बार सॉल्व कर लेंगे, कोई दिक्कत होगी तो बताएंगे। लास्ट में वीडियो इसका इसी पैटर्न पे दिया हुआ है, हमने सॉल्व कराया है, वहाँ पे जाके आप देख सकते हैं। और इसका जो PDF है आप हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से जाके आप डाउनलोड भी कर सकते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।